साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे शोषण। हर किसी का शोषण होता है, किसी का किसी प्रकार से तो किसी का किसी प्रकार से। जो पूर्व में शोषण हुए थे दलित लोगों के, पिछड़े लोगों के लिए जो शोषण हुए थे, उसको लेकर एक बहुत ही महान कवि ने, अदम गौडवी जी ने एक बहुत अच्छी कविता बनाई थी, और वो कविता आपको झकझोर कर रख देगी। आपको जो पुरानी चीजें थी, जो शोषण हुआ करते थे, उनके बारे में बताएगी कि किस प्रकार से दलित लोगों पर, अति पिछड़े लोगों पर अत्याचार हुए हैं। तो हम आज उनकी एक कविता आपको सुनाते हैं। तो कविता इस प्रकार है, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर, है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। तो इस पूरी कविता में अदम गौडवी जी ने जो अत्याचार हुआ था, दलितों पर अत्याचार हुआ था, पिछड़े लोगों पर अत्याचार हुआ था, उस बारे में कहा है, कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, डूबती सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर किसना बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठ ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो होठ में ही घुटकर रह गई, छटपटा पहले फिर ढीली पड़ी फिर ठह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, दिन था सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, बासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। ये घटनाएं जो पहले हुआ करती थी कि दलितों पर इतना अत्याचार, इतना शोषण कि कोई यदि महिला भी जाती है तो उसको जाने के लिए तत्पर, जाने के लिए शोषण करते थे, उसका उसका बलात्कार करते थे। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो किसना थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, बड़के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कोई हो संघर्ष से हम पाँव हम मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सोजा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, बे इकट्ठे हो गए थे सर पंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया।
कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, देखिए ना यह कृष्णा जो है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती मगर मगरूर है। ये कितनी दयनीय और निंदनीय बात कही थी उस दालान में कि जैसी बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जित जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मर्दूद इन बातों को कहने से रही। ये इस कविता की फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको, यदि आपको ये कविता अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया जाए कि पार्ट टू लाएं या नहीं लाएं। तो इसी के साथ यदि अदम गोंडवी जी की ये कविता आपको अच्छी लगती है, मेरी बाड़ी में अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कविता को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो दरिंदे थे, जो उस समय के दरिंदे थे, दरिंदे आज भी हैं। कभी कोई दलित के नाम पर मुंह पर थूकता है, कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई शोषण करता है। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल एक संदेश।